हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है जो कि एक चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इस चार्ट पैटर्न को हम लोग कैसे इंट्राडे में यहाँ पे काम करेंगे, स्टॉक्स में काम करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये फेमस चार्ट पैटर्न है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। इसका नाम है कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल, है ना, आप लोग नाम अक्सर सुने होंगे। और इसका देखिए पिक है ये कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पे आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे और आप लोगों को कितना कंफर्मेशन मिलेगा कि आप लोग एक अच्छा ट्रेड कप एंड हैंडल पे आप लोग यहाँ पे लेके देख के प्रॉपर अच्छे से कि हाँ ये पैटर्न क्रिएट यहाँ पे हो सकता है या हो गया है, तो उस पे आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे 100% कभी नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में भी यहाँ पे 100% नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्की यहाँ पे माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है अपना स्टॉक मार्केट। और आप लोग अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे तो आप लोग प्लीज़ आप लोग अपना एक अच्छा व्यू, एक अच्छा अपना टेक्निकल व्यू कुछ आप लोग सीख के यहाँ पे ट्रेड करें, है ना। तो आप लोग जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मैं नॉलेज आपसे यहाँ पे शेयर करता हूँ कि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। हो सकता है कि आप भी मेरे ही जैसा व्यू रख के आप भी ट्रेडिंग में यहाँ पे काम कर रहे होंगे, इसीलिए दैट्स वाई यहाँ पे मैं लोगों को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा गाइड करता हूँ जो कि मुझे समझ में आता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को, है ना, थोड़ा गाइडेंस देता हूँ कि आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो कृपया करके आप लोग सीख के आए और बिना नॉलेज के नहीं आए। ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ट्रेड लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप लोग 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल भर आप लोग टाइम दो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना। यहाँ पे लोग गलती ये कर रहे हैं ना कि सीधा स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं और उस पर डिपेंड हो जा रहे हैं कि नहीं मेरा यही सब कुछ है, तो ऐसा काम नहीं करना है। ये सब से बचना है आप लोगों को। आप लोग जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वो सब काम करते करते आप लोग सीखते चलिए। हो सकता है कि आपको जब वो फील होने लगेगा कि नहीं मैं अब इस पर डिपेंड हो सकता हूं, आपका एनालिसिस आपसे अगर ये कह रहा है, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में कि आज हम लोग इस पर कैसे ट्रेड करते हैं, मैं जनरली यहां पर ट्रेड कैसे करता हूं। हो सकता है कि आपका व्यू थोड़ा इस पर अलग है। तो देखिए, कप एंड हैंडल किसको कहते हैं, तो कप एंड हैंडल देखिए अपना कैसा रहता है। देखिए ये अपना एकदम गोल टाइप का रहेगा, ये हो गया अपना कप, ये हो गया अपना कप, ठीक है, ये हो गया कप और ये बनेगा अपना हैंडल, है ना, ये बनेगा अपना हैंडल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडल बनेगा तो एकदम से तो ऐसे यहाँ पे राउंड नहीं बनेगा, है ना। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि पहले आप लोग पहले अच्छे समझिएगा कि ये जो गोल जो इसका हैंडल बन रहा है ना, तो हैंडल कैसे बनेगा, मार्केट एक हाई लगाएगा, फिर मार्केट लो लगाएगा, फिर मार्केट हाई लगाएगा, मतलब लोअर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हुए, है ना, ऐसे यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका हैंडल बनेगा, है ना, प्रॉपर यहाँ पे हैंडल बनेगा। तो आप लोगों को कैसे यहाँ पे क्या कंफर्मेशन करना है कि आप लोगों का यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे अच्छा पंच हो और आप लोग एक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सको। तो देखिए, यहाँ पे कप एंड हैंडल में क्या होता है, कप एंड हैंडल में यहाँ पे क्या होता है, लोग यहाँ इसके ब्रेकआउट पे, इसका जब हैंडल बन जाता है तो डायरेक्टली लोग इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो कि मैं इसको ऐसे ट्रेड यहाँ पे नहीं करता हूँ, है ना। मैं अगर इसका यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो मेरे लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा तो मैं जाके ट्रेड करूँगा। हो सकता है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लूँ और इस ये वाला
ये वाला जो अपना हैंडल है, हो सकता है कि मैं अपना ट्रेड यहीं पे इनिशिएट कर दूं और मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लूं, ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं ना, है ना, कर सकता हूं ना। हो सकता है कि ये मैं हैंडल को ही ना बनने दूं, मैं यहीं पे कप पे ट्रेड उठा लूं और यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं, ये भी मैं कर सकता हूं, है ना। तो मैं यहां पे कुछ भी कर सकता हूं। आप लोग मुझे अगर समझ पा रहे होंगे और आप लोग मुझे अगर देख पा रहे होंगे तो आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, कोई कुछ छिपा हुआ नहीं है, है ना। आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में कि मैं आप लोगों को कैसा यहाँ पे चार्ट का ज्ञान यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सिंपली अगर आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को कप एंड हैंडल पे ट्रेड करना है तो आप लोग क्या करना कि ये वाला जो हैंडल है तो हैंडल कैसे होगा, यहाँ से जो मार्केट ऐसे आएगा तो यहाँ से ऐसे 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 अगर मार्केट लो लगाएगा, फिर मार्केट हाई लगाएगा, फिर मार्केट ऊपर हाई लगाएगा, फिर मार्केट लो लगाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक क्रिएशन होगा, है ना। फिर उसका हैंडल बनेगा, फिर उसका आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडल पे क्या सिनेरियो हो सकता है आपके साथ कि अगर मार्केट यहाँ पे लो लगा रहा है फिर मार्केट हाई लगा रहा है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि मार्केट ऊपर से, मतलब ऐसे मार्केट आ रहा है, हाई लगाया फिर मार्केट, मतलब कि यहाँ पे फिर मार्केट हाई लगाया फिर मार्केट लो लगाया, तो ऐसे अगर चल रहा है और फिर जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा अगर कंसोलिडेट करे, इस जोन पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देने लगे, कहाँ पे एकदम से यहाँ पे नहीं देखना, इस वाले जगह पे देखना है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे हैमर कैंडल, अगर यहाँ पे आप लोगों को हैमर कैंडल मिले तो आप लोग आराम से यहाँ पे हैमर का लो लगा के थोड़ा 5-6-7 पॉइंट यहाँ पे बफर लगा के हैमर का आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी आप लोग इस यहाँ पे बुक कर लेना और कुछ क्वांटिटी आप लोग छोड़ देना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड यहाँ पे पंच करेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे मार्केट तो ब्रेकआउट देगा, लेकिन जब मार्केट जब यहाँ पे रीटेस्ट करने लगेगा ना, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लगेगा कि मार्केट में मेरा ट्रेड यहाँ पे खराब हो गया है, अब मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है, आप लॉस लेके निकल जाओगे, है ना। तो ये थोड़ा मेरे लिए रिस्की हो जाता है, इसीलिए मैं अपना यहाँ पे ही ट्रेड में इनिशिएट यहाँ पे कर देता हूँ, हैंडल पे ही मैं ट्रेड कर देता हूँ, मैं ब्रेकआउट का यहाँ पे इंतज़ार नहीं करता हूँ। अपना सिंपल लॉजिक है ना कि मार्केट कब बनाया, और जब यहाँ पे हैंडल जब ये बनाने लगेगा, जब ये तो मार्केट क्या होगा, मार्केट लो लगाएगा फिर लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा, लोअर हाई जब यहाँ पे क्या होगा ना कि एक टाइम पे लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना कि मार्केट जब यहाँ पे कुछ रेंज बनाने लगेगा, यहाँ पे मार्केट रेंज बनाने लगेगा, अगर रेंज बनाने लगेगा तो आप लोग यहाँ पे सिंपली हैमर देख के आप लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड पंच कर सकते हैं और एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो मैं अगर देखा जाए तो मैं इसके हैंडल पे ही डाउन साइड में यहाँ पे मैं ट्रेड यहाँ पे पंच कर लेता हूँ और मैं एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना लेता हूँ, है ना। तो आप भी ट्राई करना और आप बैक टेस्ट करना, है ना। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे इस पे ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे चलिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए हैंडल पे और क्या यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। एक अपना यहाँ पे एक हैमर मिला, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन क्या रहेगा कि मान लीजिए, चलिए इस पे थोड़ा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, चलिए इसे यहाँ पे आ जाने देते हैं। चलिए चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसा हुआ अपना कप, ठीक है, ये अपना हैंडल। तो आप लोग को मैं एक यहाँ पे कंडीशन बता दिया कि अगर इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे हैमर मिल गया तो आप लोग हैमर पे ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद ये वाला जो कप का जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पार्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, तो आप लोग क्या करना, क्योंकि आप लोग के लिए तो ये रेजिस्टेंस होगा, फिर दूसरे टाइम भी यहाँ पे मार्केट रजिस्ट हो गया, थर्ड टाइम में मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो आप लोग ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड नहीं करना, थोड़ा इसे रीटेस्ट पे आने देना और रीटेस्ट पे यहाँ पे थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेट होने देना। अगर मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद अगर
आप लोग को एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकते हैं। हो सकता है कि रिटेस्ट पे आए तो आपको यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल दिख सकता है, इस पोजीशन पे भी आपको हैमर कैंडल मिल सकता है। हैमर का लो लगा के आप लोग आराम से ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकते हैं और एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और हो सकता है कि आप लोग ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया कप और ये हो गया अपना मान लीजिए हैंडल, तो मान लीजिए कि अपना यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जब रिटेस्ट पे आया तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड भी पंच कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ही पंच कर सकते हैं कि आपका कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो आप लोग लॉस में नहीं रहोगे, और यहाँ पे करेंगे अगर इसके हाई पे करेंगे तो आप यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कप एंड हैंडल पे इस तरह से आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक अपना यहाँ पे हैमर का हो गया, एक अपना यहाँ पे रिटेस्ट पे भी आप लोग यहाँ पे हैमर आएगा तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब से आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग खुद जाकर बैक टेस्ट करना, क्योंकि मैं अपने तरीके से कप एंड हैंडल को ऐसे यहाँ पे ट्रेड करता हूँ और मेरे लिए सही रहता है, और मैं हमेशा इसी व्यू से यहाँ पे देखता हूँ। एक अपना हैमर का यहाँ पे कंडीशन हो गया, दूसरा अपना जब ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे मार्केट जब रिटेस्ट पे आएगा मार्केट कंसोलिडेट करेगा फिर भी आप लोग को यहाँ पे हैमर मिल सकता है तो आप लोग यहाँ भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पे मार्केट क्या होगा जब मार्केट लो लगाएगा फिर मार्केट एक हाई लगाएगा, मतलब लोअर हाई का जब मार्केट यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, तो जब ये यहाँ पे जब देखिए फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पे क्रिएट करेगा इस जगह पे हैंडल पे इसी ये मैं हैंडल का यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट एक हाई लगाएगा ना यहाँ के बाद, जब मार्केट लो लगाएगा तो मेरा हमेशा लॉजिक रहा है, आप मेरा रिवर्सल अगर वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे रिवर्सल सेटअप वाला, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जब लो लगाएगा ना तो इस वाला जो मेजर अपना सपोर्ट रहेगा ना उसको ब्रेक नहीं कर रहा होगा, काफ़ी मार्केट इस लो को काफ़ी ये वाला रिस्पेक्ट करेगा, जो कि इसका जो मार्केट जो बन रहा है प्रीवियस वाले को काफी रिस्पेक्ट करेगा, उसका मार्केट फिर हाई लगाएगा, फिर मार्केट यहां पे हायर लोअर का फॉर्मेशंस करते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ट्रेड करना है, स्वीट एंड सिंपल तरीके से। ये है अपना कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि आप लोग आराम से इस पे देख के एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रखता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सके होंगे यहाँ पे, और जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए, इंस्टाग्राम पे नहीं ऐड हुए हैं, तो ये वो लोग को रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग फॉलो मी हेयर के पास से ही आके ऐड होइएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है कि क्या कुछ चलता है मार्केट में यहाँ पे टेलीग्राम पे। तो इसीलिए अपना जो ओरिजिनलिटी है, जो अपना ओरिजिनल वाला टेलीग्राम है वो यहीं पे है, है ना, और जो भी रहेगा सब कुछ यहाँ पे अपडेट आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बैक टेस्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन बैक टेस्ट में मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मैं चार्ट पैटर्न्स पे काम उतना नहीं करता, मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लेवल पे काम करता हूँ। और ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मेरे चार्ट पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लेवल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि मैं ऑलरेडी चार्ट के ज्ञान पे और मैं जो भी अपना प्रीमियम मेम्बरशिप वाला जो भी मेरा कंसेप्ट चल रहा है, सीखिए और कमाइए, एक दो लॉट से सीखिए और लर्न एंड अर्न का कंसेप्ट चल रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी अपना यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग खुद जाके बैक टेस्ट करना, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे बताना कि आप लोग को कोई दिक्कत अगर कोई दिक्कत आप लोगों को हो रहा है तो मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।